न्यूज और मैं हूं आपके साथ क्षितिजा देशमुख आप सभी का चुनावी महासंग्राम 2024 में स्वागत है हम सभी को पता है देश में चुनावी माहौल है और ऐसे में लोग जो है चुनाव के माहौल में उत्सुक है ये जानने के लिए कि बीजेपी को किस राज्य में कितनी सीटें मिली है या कितने सीटों पे वो जीतेंगे या फिर कितनी सीटें बीजेपी गवाएगी और इस सभी श्रृंखला में हम जानेंगे महाराष्ट्र के विदर्भ की वो सीट का हाल जो एक हाई प्रोफाइल सीट के तौर पर देखी जाती है जहां से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुन चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े थे और उनके जो विपक्ष में थे महाविकास आघाड़ी के यहाँ के जो ग्राउंड लेवल के नेता है विकास ठाकरे इनमें जो फाइट हुई थी इन सभी के बारे में हम आज जानेंगे शहर की जो नामांकित प्रसिद्ध ऐसे न्यूज़पेपर है उनके गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित है जिन्होंने कई चुनावों को देखा है कई चुनाव का कवरेज किया है इनसे हम जानेंगे इस बार नागपुर का क्या माहौल था क्या मूड था क्या मिजाज था तो सबसे पहले मैं स्वागत करूँगी आनंद निर्माण सरकार जो कि दैनिक भास्कर में समन्वयक एडिटर के रूप में कार्यरत है और इन्हें किसी भी परिचय के ये मोहताज नहीं है क्योंकि इन्होंने कई नामांकित वृत्त पत्र में यानी दैनिकों में काम किया है और चीफ एडिटर के रूप में ही इन्होंने काम किया है कई चुनाव का कवरेज इन्होंने देखा है कई लोगों के जो प्रत्याशी थे अलग अलग प्रत्याशियों का मूड इन्होंने जाना है उसके बाद हमारे साथ उपस्थित है तरुण भारत के चीफ रिपोर्टर पराग जोशी सर और साथ ही हितवाद के विकास वैद्य जी जो कि प्रिंसिपल करस्पोंडेंट है और इन सभी ने नागपुर का मिजाज भली ही जाना है कई चुनाव का सबसे पहला सवाल मेरा जो है आनंद निर्वाण सर से है आ, सर हमने देखा कि नागपुर लोकसभा जो एक पूरे देश का लक्ष्य जो है इस सीट की ओर लगा था क्योंकि नितिन गडकरी एक लोकप्रिय नेता देश के लोकप्रिय नेता है वो यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे थे किस तरह से आका है सर अपने 2024 के चुनाव को नागपुर के लोग जो है वो अपने आप में बड़े बिरले हैं इस शहर में बापू जी अणे जैसे बड़े नेता को एक बार चुनाव जिताया और दूसरी बार हरा दिया इस शहर ने पूरे विदर्भ के गणमान्य विदर्भ के वीर कहे जाने वाले जामुन्तरा धोटे को चुनाव जीताया और सत्ताईस साल के लड़के गे आवारी से उनको हरा दिया बिल्कुल यहाँ पर बनवाई लाल पुरोहित जैसे व्यक्ति उनको दो बार कांग्रेस से जीत मिली और तीसरी बार में वे चुनाव हार गए हाँ ये बात अलग है कि बाद में बीजेपी की सीट से वो चुनाव जीते पर एक समय ऐसा भी आया कि जब उन्होंने विदर्भ पार्टी का निर्माण किया और एक लाख की संख्या को भी पार नहीं कर पाए तो ये नागपुर का जो मा, मानस है वो मानस बहुत ज्यादा वेरी करता है और केवल नागपुर का नहीं पूरे विदर्भ का हम बड़े बहादुर लोग हैं हमने अंबेडकर को भी चुनाव हराया था लोगों को याद आता होगा तो हमने गुलाम नबी आजाद को भी अपना जगह बताई थी और हम इतने उदार भी है कि नरसिंह राव को दो बार चुनकर भी दिया तो वे कुछ भी ऐसा मानक उसका मान के चलना ये थोड़ा मुश्किल है बिल्कुल यही सवाल मेरा जो है पराग जोशी सर से है जो कि तरुण भारत से आते हैं और ये बीजेपी का मुखपत्र भी कहा जाता है पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ तरुण भारत ही बीजेपी का मुखपत्र नहीं है यानी ये ये लोगों में भ्रांति है मगर वो ऐसा नहीं है एक न्यूज पेपर की तरह से हम काम करते हैं, जैसा विदर्भ में अभी देखा है कि नागपुर में नितिन गडकरी जी दोबारा चुनाव मैदान में है इस साल उनकी लीड के लिए काफी प्रयत्न हुए हैं, पांच लाख पार वगैरह ऐसे घोषणा दिए मगर अभी चुनाव के दौरान जो चला उसमें विजय तो उनकी निश्चित है मगर लीड थोड़ा कम होगा ये आकलन है उनका मगर विजय उनकी निश्चित है ऐसी परिस्थिति में बाकी जो अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार जो है विकास ठाकरे वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आमदार महापौर रह चुके हैं वो इसलिए उनकी टक्कर तगड़ी रहेगी बाकी अगर कोई उम्मीदवार रहता था तो लीड का जो उन्होंने पैमाना रखा था वो पार कर सकते थे मगर इस बार लोगों का मूड भी थोड़ा अलग है इसलिए गडकरी जी का जीतना है मगर उनकी लीड थोड़ी कम होगी बिल्कुल वैद्य सर यही सवाल मैं आपसे दोहराती हूँ कि आपने भी कई चुनाव देखे हैं, इस बार का चुनाव कैसा था नहीं इस बार का आप देखिए कि नागपुर यह हमेशा कांग्रेस का गढ़ रह चुका है और 1996 में पहली बार बनवारी लाल जी पुरोहित ने ये गढ़ को तोड़ा हालांकि वो सरकार बहुत ज़्यादा तक चली नहीं लेकिन उसके बाद में 2014 में 2014 में आप देखिए कि 2014 में गडकरी जी ने विलास तब के बहुत मानी नेता थे वो जब सात बार जो आदमी लोकसभा चुनाव जीता है उसको उन्होंने हराया और बहुत बुरी तरीके से हराया लेकिन आप देखिए कि 2014 से लेकर बाद में अभी 2024 के इलेक्शन तक 2019 में ये जो बढ़त है जो बढ़त गडकरी जी ने 2014 में ली थी अगेंस्ट मुत्तेमवार पटोले 2019 में जो कि बहुत नामी नेता उस वक्त नहीं थे 70 प्रतिशत नागपुर उनको नहीं जानता था और वो भी 70 प्रतिशत नागपुर को नहीं जानते थे ऐसे नेता ने उनकी लीड कम की उसका एक एक कैलकुलेशन दिया जाता है डीएम के दलित मुस्लिम और कुंडी ये एक और उस वक्त तक ऐसा रहता था कि एक बी का एक उम्मीदवार रहता था तीसरी आघाड़ी के तौर पर तीसरा उम्मीदवार करके और कई बार ये वोट के वोट का बंटवारा होके उसका फायदा गडकरी जी को 2014 में मिला था 2019 में जो हुआ 2019 में भी बी का उम्मीदवार था लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा आ, उन्होंने जिस तरह से काम किया कांग्रेस ने कि ये तीसरे उम्मीदवार को आप अगर वोट देंगे तो कांग्रेस चुन के नहीं आएगी उसका परिणाम हुआ और उसका परिणाम जो हुआ उसमें लीड जो है दोनों की कम हुई हालांकि पटोले जी हार गए 2024 में आप देखिए 2019 का जो नाना पटोले थे उसके आ, मुकाबले विकास ठाकरे जो उम्मीदवार है विकास ठाकरे बहुत एक तगड़ा उम्मीदवार कांग्रेस ने दिया इस बार कांग्रेस ने बहुत कैलकुलेशन की तरीके से दिया बहुत कैलकुलेशन करके उन्होंने उम्मीदवार दिए हैं विकास ठाकरे मेयर रह चुके हैं वो आमदार है और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो शहर शहर सिटी के शहर के कांग्रेस के अध्यक्ष है पिछले दस साल से तो उनको जानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है नागपुर में तो इसका एक परिणाम इस बार देखा गया कि जो पराग जी ने कहा कि वो लीड जो है वो लीड और कम होने की उम्मीद है उसमें क्योंकि इलेक्शन का जो एक तरीका है कि आप देखिए कि इस बार इलेक्शन जनरली लोकसभा इलेक्शन जो लोकसभा पोल जो है ये राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं बट इस बार राष्ट्रीय मुद्दों का कहीं नामो निशान दिखा नहीं हमको जो लोकल मुद्दे स्थानीय मुद्दों के ऊपर बहुत ये हुआ और विकास ठाकरे ने उसी प्रकार से प्रचार किया हालांकि एक अपन बात जान सकते कि 10 साल में नागपुर में बहुत बदलाव आया है और वो बदलाव का सारा श्रेय हम गडकरी जी को या बीजेपी को देंगे तो वो एक डिफरेंस जो है और दूसरा एक इमेज का डिफरेंस है इमेज माने कि इमेज माने कैरेक्टर नहीं कोई बुरा या अच्छा ये बात नहीं है बट इमेज का डिफरेंस ये है कि गडकरी जी एक बहुत टावरिंग लीडर है स्टॉलवर्ड लीडर अपन बोल सकते हैं विकास ठाकरे ये नागपुर में नोने लेकिन विकास ठाकरे और गडकरी जी के जो स्टेटस और बाकी चीजों में काफी फर्क है हालांकि ये चीजें मायने नहीं करती है इसमें ये सारी चीजों में बट इसका बहुत बड़ा फर्क ये इलेक्शन में हम लोग देख सकते हैं बहुत सारा जो हम लोगों ने जो चर्चा की है लोगों से बात की है उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि गडकरी जी के जीतने के चांसेस है लेकिन ये फाइट बहुत तगड़ी रही ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइट थी आपने जैसे बोला था लेकिन ये बहुत तगड़ी फाइट नागपुर के लोगों को देखने को मिली। बिल्कुल जिस तरह से अभी वैद्य सर ने कहा कि ये जो लोकसभा चुनाव होते हैं ये राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं लेकिन इस बार स्थानीय मुद्दे देखने मिले निर्वाण सर से मेरा ये सवाल रहेगा कि सर कौन से मुद्दे इस बार आपने चुनाव में आखे है क्या बताओ ने? मैंने इतने लंबे समय के बाद ये पहला चुनाव देखा देश भर में भी कि जहाँ मुद्दे जो है वो मुद्दे ही नहीं थे अब बावन और सत्तावन में अनुसय वही काड़े चुनाव जीती उसके बाद में बापू जी आने जीते फिर बापू जी आने को एक बुनकर नेता नरेंद्र देव गए जस्ट फोर्टी इयर्स ओल्ड तो बुनकरों का उस समय बहुत प्रॉब्लम था इसलिए बुनकरों ने उसको उनको चुनाव जिता दिया और दूसरी बात यह नागपुर में छह वोट से एमएलए के चुनाव जीतने हारने का भी निर्णय हम लोग देख चुके हैं यानी इतने कम वोट से एमएलए का चुनाव हार जाए जीत जाए तो नागपुर की प्रवृत्ति और हर बात अभी बीस दिन का चुनाव लड़ा था नाना पटोले ने और इतनी मार्जिन कम कर दी थी वो आउटसाइडर था ये था गडकरी जी का ऐसा है जैसा पार्लियामेंट में कहा गया था कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे आदमी हैं पर उनकी पार्टी अच्छी नहीं तो गडकरी जी के बारे में भी लोग बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं पर वो पार्टी के बारे में उनको संदेह है तो गडकरी को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में हर पार्टी वाले मानते हैं पर जब चुनाव की बात आती और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा पूरे देश के बारे में कहना चाहूंगा कि काम करने से न कोई प्रधानमंत्री बनता न कोई चुनाव जीतता है और इसके बहुत सारे उदाहरण है पर अपन नागपुर में सेंट्रलाइज करके बात करें तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती वो बोल कि कड़करी चुनाव हार जाएंगे और ये उनकी गुडविल है पर जहाँ ढाई लाख वोटर हैं आपके विकास ठाकरे के कुंभी लोग तीन लाख वोट जो है वो कांग्रेस के रिजर्व वोट माने जाते हैं और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को ये लगा कि भाई ये तो जीत रहा है इतनी धूप में अपन क्या करेंगे थोड़े कम वोट से जीतेंगे तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया और सबसे बड़ी बात यह है मैडम मैं कहना चाहूंगा कि गडकरी जी बताते कि मैंने इतने लाख करोड़ के काम किए इतने लाख करोड़ के काम किए तो लोगों को लगता है कि भाई इतने लाख करोड़ के काम किए तो इतने हजार तो इधर आना चाहिए और वो जो फैक्टर है जिसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहेगा वो फैक्टर क्योंकि अब पहले एक न्यूज के चौथे टुकड़े पर वो कच्चा चूड़ा उसमें भी मुरमुरे ज्यादा रहते थे तो कार्यकर्ता उतना भी प्राप्त हो गया तो उसको लगता था अपना रेमेशन मिल गया आज कार्यकर्ता वैसा नहीं है। आज कार्यकर्ता की अपेक्षाएं बढ़ गई वो आप उसका माली हालत देखने लगे और बहुत सारा ऑन द अदर हैंड मतलब चुनाव की जो है वो पूरी रूपरेखा बदल नहीं, चुकी है। नहीं, नहीं इसी देश में प्याज के भाव पर और गरीबी हटाओ के केवल नारे पे पूरा देश यानी प्रधानमंत्री चुनाव जीत जाते हैं और इसी देश में इसी नागपुर शहर में मैं बताना चाहूंगा एक एमएलए का चुनाव था और उस पर एक एक लाख का सट्टा लगाया था सट्टे वालों ने जब उन्होंने देखा कि अपना जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसका प्रचार ठीक से नहीं हुआ आपको याद होगा पहले कागज के बिल्ले आते थे साइकिल रिक्शा पे घूमते थे तो सट्टे वालों ने ये सोचा कि अगर हम दस हजार और खर्च कर दें या तो एक लाख दस हजार हारेंगे या ये जीत जाएगा और उसको खुद को मालूम नहीं था वो चुनाव लड़ने वालों को ये कहाँ से प्रचार हो रहा है कहाँ से मिलने बट रहे और वो चुनाव जीत गया इनको नब्बे हजार का ये फर्क पड़ा तो ये प्रवृत्ति और प्रकृति जो है मेरे ऑफिस में पहले दिन सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं किसको वोट देंगे गडकरी को पर दूसरे दिन दस लोगों ने बोला कि हमने ठाकरे को दिया है कांग्रेस को वोट दिया तो सिक्रेसी जो है वो अलग बात है पर आजकल मन किसी की टोह लेना तो बहुत डिफिकल्ट है और जो रहा सवाल समाचार माध्यम और बाकी सब का तो मैंने सबसे पहले आपसे पूछा था कि किसके फेवर में बोलना <laughs> क्योंकि जब वो प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न ही ऐसे पूछते हैं कि मोदी जी चार सौ पार बोल रहे कैसा लग रहा है तो कोई हिम्मत नहीं करता यारे चार सौ पार ऐसी डिंग मारना चाहिए कि कोई नहीं बोलता <laughs> नहीं तीन सौ सत्तर से जा आ जाएंगे हारेंगे तो नहीं, नहीं यहाँ तक लाके रुक जाते पर कोई हिम्मत नहीं करता कि क्या मोदी जी चुनाव इंदिरा गांधी हार चुकी थी और लोग बड़े बड़े लोग हारे चुनाव तो कोई हिम्मत नहीं करता तो वैसे ही गडकरी जी का मामला है कि कोई बोलना नहीं चाहता समझ तो सब रहे पराग जोशी सर आप क्या कहना चाहोगे इस चुनाव में जो है कौन से मुद्दे दिखे खासकर मुद्दे जैसा आनंद जी ने बोला था मुद्दे नहीं है मगर इस बार नए वोटर जो है पहली बार वोटिंग करने वाले या अपनी तरुणाई जो है उनमें एक अलग माहौल देखने को मिला कई लोगों के नाम वगैरह नहीं रहे वोटर लिस्ट में वगैरह वो, वो अलग मुद्दा है मगर जिनके नाम है उन्होंने भी और लोगों ने भी बाकी वोटिंग परसेंटेज अपना कम रहा जान आ, आ, आखिर में परसेंटेज उतना ही रहता है ये जो बोलते हैं कि 100 परसेंट हंड्रेड परसेंट वोटिंग वगैरह कभी होता नहीं ये गवर्नमेंट ने कोशिश किया था मगर बाकी भी मुद्दे रहे नागपुर को सजाने में संवारने में गडकरी जी का बहुत बड़ा योगदान है ये लोगों ने देखा है जैसा मेट्रो हुआ एम्स हुआ आई हुआ ट्रिपल आई हुआ लॉ यूनिवर्सिटी हुई ये कभी आए नहीं थे सेंट्रल के बड़े बड़े संस्थान हैं लोगों को बाहर जाना पड़ता मुंबई दिल्ली और हैदराबाद बेंगलोर इधर जाना पड़ता था मगर अभी लोग आने वी, वी नाएटी को एनआईटी का दर्जा मिला है तो ऐसी जो चीज़ें हुई वो तरुणाई के लिए हुई और बाकी लोगों की भी व्यवस्था की उन्होंने ज्येष्ठ नागरिक लोगों के लिए किया तो कुल मिला के उनका जो जीतने का यह है कि इसमें भी श्रेय है उनका कि जो काम किया बाकी पुल बनाना रोड बनाना वो तो पूरे देश में वो बना चुके हैं नागपुर में भी काफी सीमेंट रोड बने पूल बने अपने बाकी जो ट्रिपल फ्लाईओवर जो बना अपना डबल डेकर फ्लाईओवर वो यहीं पे है ऐसी यूनिक चीजें उन्होंने बनाई और बाकी भी जैसा खासदार महोत्सव हुआ क्रीड़ा महोत्सव हुआ सांस्कृतिक महोत्सव हुआ ज्येष्ठ नागरिक के लिए स्वतंत्र रूप से सांस्कृतिक महोत्सव यानी समाज के हर तबके को उन्होंने कुछ ना कुछ देने का और उनके लिए कुछ ना कुछ करने का एक प्रयास किया पांच साल में तो इसका भी थोड़ा परिणाम उनके वोटिंग पे हुआ है बिल्कुल वैद्य सर मेरा आपसे ये सवाल है कि रामटेक लोकसभा क्षेत्र का जो चित्र दिखाई दिया जिस तरह से टिकट काटी गई उसके बाद से जो राजनीति हुई और राजू पारवे जो कांग्रेस के आ, नेता थे वो बीजेपी शिवसेना में आए और शिंदे गुड़ से उन्होंने सांसद पद का चुनाव लड़ा आ, किस तरह से देखते हो वहाँ की परिस्थिति को आप आप देखिए एक आ, सबसे एक इससे इस, इस, रिलेटेड एक मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार जो महिलाओं का महिला महिला मतदारों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है और रामटेक में जो मैंने देखा था मैंने जो कैलकुलेशन किया था रामटेक में करीब करीब साठ या पैंसठ प्रतिशत ज़्यादा महिलाएं इस बार रजिस्टर हुई थी और तो रश्मि बरवे पहले उनका नाम आया था सबको मालूम है हम सबको कि फिर बाद में उनका कास्ट वेरिफिकेशन में जो कैंसिल हुआ तो एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को तब मिला वहाँ पे रामटेक में अगर ये जो मैं बोल रहा हूँ कि इतने बड़ी पैमाने पे अगर वुमेन वोटर्स रहते तो एक नेचुरली किसी भी वुमेन वोटर्स का जैसे अपन कास्ट इक्वेशन बोलते हैं कि कुन भी कुन भी उनको ज़्यादा ये करता है तो वैसे वुमेन जो रहती तो वो ज़रूर रश्मि बर्वे को उनका वो उतना उनका पलड़ा भारी रहता बट रश्मि बर्वे की जगह पर जो उनके हस्बैंड श्याम कुमार बर्वे आए तो उससे जरूर फर्क पड़ा है कांग्रेस में और तीसरा एक अहम मुद्दा अपन बोल सकते कि वंचित आघाड़ी तो वंचित ने नागपुर में जो नागपुर में तो कांग्रेस को सपोर्ट किया था लेकिन रामटेक में उन्होंने किशोर गजबीय को सपोर्ट किया किशोर गजबीय एक बहुत फॉर्मिडेबल कैंडिडेट है क्योंकि किशोर गजबे ने लास्ट टाइम रामटेक में कृपाल तुमाने को काफ़ी उनके नाक में दम किया था और आपको अगर याद होगा मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं लेकिन चार लाख समथिंग चौवालीस हज़ार वोट उनको किशोर गजबी को लास्ट इलेक्शन में मिले थे वो अकेले प्रतिद्वंदी थे कृपाल तुमाने के तो इस बार उन्होंने काफ़ी कोशिश थी वो कांग्रेस में थे कि कांग्रेस उनको टिकट दे कांग्रेस से उनको टिकट मिली नहीं वो अकेले खड़े रहे वहाँ पर और वंचित ने उनको जो सपोर्ट किया तो उसका फ़ायदा और जो जो मेरी जो एक जनरल पर्सनल चर्चा हुई कुछ लोगों से तो उनको एक तीन लाख के करीब वोट मिल सकते हैं और अगर वो वोट मिल सकते हैं तो उसका सबसे बड़ा फटका ये कांग्रेस को होगा और राजू पारवे जो कि उमरेड़ में आमदार थे कांग्रेस के और लास्ट मिनट में वो शिंदे सेना में शामिल हुए और उनको टिकट मिली तो कई बार ऐसा बोला जाता कि राजू पारवे बहुत सॉलिड कैंडिडेट के रूप में नहीं आएंगे लेकिन ये जो मैंने एक समीकरण आपको बताया कि शायद रश्मि बर्वे अगर रहती या रश्मि बर्वे की जगह दूसरा नाम कांग्रेस अगर किशोर गज या किसी एक सॉलिड कैंडिडेट को देती तो अलग फर्क पड़ता बट ये सारे कैलकुलेशन का ये वोट डिवीजन का फ़ायदा शिवसेना मतलब महायुति को मिल सकता है ऐसा मेरा एक अपना अंदाज है बिल्कुल इसी तरह की परिस्थिति नागपुर में भी थी जिस तरह से चुनाव की घोषणा हुई और नितिन गडकरी को टिकट मिलेगी ये सभी को पता था जब टिकट की घोषणा हुई उसके बाद जो है चर्चा ऐसी थी कि विपक्ष के पास कैंडिडेट नहीं है नागपुर में लेकिन कांग्रेस ने आखिरकार जो ऐसा कद्दावर बोल सकते उन्हें क्योंकि वो ग्राउंड लेवल के है टफ फाइट उन्होंने दी है ऐसी भी चर्चा है विकास ठाकरे को उतारा मैदान में उसके बाद जिस तरह से चित्र बन गया नागपुर में प्रचार होने लगे और जो चुनाव की घोषणा के बाद जो चित्र था वो पलट गया ऐसा आपको लगा क्या बताओगे सबसे मेरा एक एक सवाल यही सवाल है एक एक ऐसा है कि तब ऐसा बोला जा रहा था कि कांग्रेस से कोई भी तैयार नहीं है और कांग्रेस में कई ऐसे नाम आए थे और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सक्कदरा एरिया में जिनका हॉस्पिटल है डॉक्टर संजीव चौधरी उनको भी पूछा गया था कांग्रेस की तरफ से कि क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे कांग्रेस की तरफ से तो ये एक बहुत बुरी हालत थी और ऐसा ऐसी भी एक चर्चा थी कि क्या ये इलेक्शन अनअपोज होगा यहाँ पे लेकिन आखिरकार में पहले प्रफुल गुड़दे का नाम आया था वो बहुत इंटरनल सर्कल में था बाद में फिर विकास ठाकरे को तैयार किया गया और विकास ठाकरे को चुनाव में उतारा गया और विकास ठाकरे को चुनाव में उतारने के वक्त उता, मतलब उनका नाम जो प्रपोज जिन्होंने किया तो सारे कांग्रेसी गुट वो एक आए विलास मुत्तेमवार हो सतीश चतुर्वेदी हो नितिन राउत हो ये सारे लोग एक आए और उन सारे लोगों ने आ, उनका नाम भेजा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से फिर ए को भेजा गया और फिर उनका नाम वो निश्चित हुआ तो वो एक एक जब भी मैं एक बताना भूल गया कि एक कांग्रेस के सारे गुट इस बार एक आए थे विकास ठाकरे के चुनाव में और हर एक नेता जो है जो अपने अपने जैसे दक्षिण पश्चिम में प्रफुल्ल गुर्दे है मध्य में बंटी शेके है नॉर्थ में नितिन राउत है ईस्ट में अभिजीत वंजारी है तो इन लोगों ने वहाँ वहाँ अपने अपनी समझ लो कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से वहाँ पे बहुत अच्छा प्रचार किया और सारे नेता हाथ में हाथ धर के हर प्रचार सभा में उनके साथ घूमे ये थी वो नहीं ये गुडबाजी नहीं थी बिल्कुल सर क्या बताओ जहाँ तक गडकरी जी के टिकट का सवाल है वो तो उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड बराबर तय करता है उन्होंने पहले भी बोला था कि जो सीटें कतार में रहती वो सीटें उस हिसाब से उनको टिकट तो उनको मिलने वाली ही थी मगर दूसरी लिस्ट में आए वो मगर इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी टिकट डिक्लेयर होने के बाद में कांग्रेस के पास जैसा विकास जी ने कहा कि कोई कैंडिडेट नहीं था वैसा मगर कैंडिडेट नहीं था मगर गडकरी की टिकट घोषित होने के बाद में एक अच्छा हुआ कि टुकड़ों में बटी हुई जो कांग्रेस थी उनके सब टुकड़े एक आए yes. तो उनको मालूम था कि अगर हम वीक कैंडिडेट देते हैं या गुडबाजी करते हैं तो इनकी लीड बढ़ेगी और उनका सपना पूरा हो जाता था पांच लाख पार वाला yes. इसलिए वो सब लोग इकट्ठा है कांग्रेस में एकजुट दिखी इसलिए अभी रिजल्ट तय है मगर लीड कम होगा वो तो उसका कारण वो है बिल्कुल सर आपने कई चुनाव देखे है इससे पहले ऐसा कभी देखा था कि विपक्ष के पास कैंडिडेट ही नहीं है मैदान में उतारने के लिए क्या बताओगे देखिए ऐसा है कि कैंडिडेट कोई और रहता और चुनाव के समय कोई और खड़ा हो जाता ये कोई सुनिश्चित नहीं रहता कई बार कई लोगों का इलेवंथ और तो किशोर काशी थे वो दिल्ली से फॉर्म सिक्सटीन लेके निकले रात को मुझे पता चला मैंने वहणी साहब को फोन किया कि साहब का टिकट कट गया है यहाँ एक ओझा मैडम थी उसने जाके और जाखड़ के थ्रू नरसिंह राव को बोल के उनकी टिकट कटवा दी तो टिकट का टिकट से और काम करने से चुनाव जीतना हारना सुनिश्चित नहीं होता अगर ऐसी बात है तो मैं तो गड़कर जी को आजाद शत्रु मानता हूँ अगर कम सीटें आई और गड़करी गडकरी जी चुनाव हार भी गए तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं ये उनका रुदबा है वो अभी हमारे संपादक मणिपुर गए थे वहां उन्होंने पूछा कि कौन जीतेगा तो उन्होंने कहा गडकरी जीतेंगे तो गडकरी जीतेंगे तो बोले गडकरी तो यहां से खड़े नहीं है बोले हम तो गडकरी को जानते हैं ना बीजेपी को जानते हैं, ना दामोदर दामोदर दास मोदी के बेटे नरेंद्र को जानते हैं हम गडकरी को जानते हैं तो व्यक्ति का जो अलग अलग या लोग उनके साथ बड़ा आदर भाव रखते हैं पर वोट देते समय उनका कौन सा एंटीना खड़ा हो जाता है और वो एंटीना क्या कैच करेगा वो आज की तारीख में हम नहीं कह सकते अभी भी वो बंद मुट्ठी में है बिल्कुल जिस तरह से अभी सर ने बात कही कि लोग गडकरी को जानते हैं पीएम पद के वो कैंडिडेट भी माने जा रहे हैं और जैसे कि हमने चुनाव के पहले जो जनता का जो है जनमत जानने की कोशिश की थी तो बहुत से लोगों ने ये भी कहा था गडकरी अगर पीएम बनते हैं तो हम उन्हें चुनकर देने को तैयार है तो ऐसे में आर की इसमें क्या भूमिका है ये सवाल मेरा है पराग जोशी सर से खासकर क्या इसमें सक्रिय हो सकती है आर नहीं वैसा यानी जहां तक मेरा मैंने आर एस एस को जहां तक मैंने जाना है आर एस एस कभी क्लियर पॉलिटिक्स में नहीं आती है। वो अपना सामाजिक काम करते रहती है हाँ बीजेपी उनकी एक विंग है जैसे पैंतीस संगठन है उनके उस हिसाब में से पैंतीस में से एक बीजेपी है तो वो अपना सामाजिक काम करती रहती है मगर बाकी जो उनका मंथन चलते रहता है मार्गदर्शन चलते रहता है वो उस हिसाब से काम करती है डायरेक्ट आरएसएस कभी भी इलेक्शन में उतरती नहीं है और वो उस अभी अभी नड्डा जी का स्टेटमेंट बीच में देखा था कि बीजेपी अभी सक्षम हो गई अब उनको आर की जरूरत नहीं है उसके भी अलग अलग अर्थ निकाले लोगों ने अगर वैसा नहीं है वो उस दिन क्लियर भी किया उन्होंने कि ऐसा नहीं है हर संगठन अपनी बलबूते पे बड़ा होना चाहिए खड़ा होना चाहिए सक्षम होना चाहिए इस हिसाब से आरएसएस हमेशा सभी पैंतीस संगठन को मार्गदर्शन करती है उस हिसाब से बीजेपी कोई करती है बिल्कुल आर एस एस जो है गडकरी को मतलब गडकरी बहुत करीबी नेता आर एस एस के माने जाते हैं और उनका उतना प्रेम लगाव भी है आर एस एस का गडकरी से और गडकरी का आर एस एस से तो ऐसे में कैसे देखते हो सर आप नहीं आ, जैसा पराग जी ने कहा कि आर एस एस एक पैंतीस आर एस एस की जो मतलब मूल आर एस एस कहे कि अपन बाकी उनकी सहयोगी संगठनाएं में बीजेपी है और आपने देखा होगा जो उनकी प्रतिनिधि सभा यहाँ पे हुई जहाँ पे दत्तात्रेय होसभ जी का पुनर्चुनाव हुआ वो सरकार वाह करके चुन के आए तो उन्होंने भी उस वक्त कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात का प्रचार करेगा कि लोगों ने जनता ने आके मतदान करना चाहिए मतदान किसको करना है वो उनका अपना प्रश्न है तो आरएसएस ने ये कभी नहीं कहा लेकिन एक बात हम आ, कभी भूल नहीं सकते एक बात की कि एक बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जो आ, हर इलेक्शन में एक सबसे बड़ा फ़ायदा बीजेपी को होता है कि बीजेपी के बहुत सारे कैडर्स है अलग अलग इसमें वो आरएसएस रहे या वनवासी कल्याण आश्रम रहे या उनकी अलग अलग सेवा संस्थाएँ संस्कृत भारती है और ये सारी चीज़ें जो है उनकी ए है भाजयुमो है तो ये सारी संस्था ये उनका कैडर है तो ये आरएसएस एक प्रमुख संस्था उनकी मानी जाती है जैसा एक बोलते हैं ना कि पूर्व बहुत पुराने साल में जैसे एक राजा होता था और उनका पुरोहित होता था तो आरएसएस एक पुरोहित की भूमिका निभा रहा है कि जो कहीं अगर राजा गड़बड़ करे तो उसको सही रास्ते पर लाया जाए तो आरएसएस की वो भूमिका है कि जैसे पराग जी ने कहा कि आरएसएस कभी पॉलिटिकली कोई क्लियर ऐसी बात नहीं कहता लेकिन एक बात अपन भूल नहीं सकते कि आरएसएस का बीजेपी के साथ एफिलिएशन जो है उनका कनेक्ट जो है वो है ही वो तो अपन आ, मतलब नकारा नहीं जाता क्योंकि आर के कई सारे लोग बीजेपी में आए हैं बीजेपी के कई सारे लोग उनका संगठनात्मक जो एक रिस्ट्रक्चरिंग होता है उसमें वो लोग बहुत सारे लोग बीजेपी से आरएसएस में आते हैं आर से बीजेपी जाते हैं तो अलग अलग संगठनों में उनका दायित्व तो उनको दिया जाता है तो इस तरह से आरएसएस और बीजेपी ये कनेक्ट है लेकिन आरएसएस कभी किसी तरीके का ऐसा डिक्टेशन नहीं करती है कि भाई ये पंतप्रधान बनना चाहिए या ये पंत प्रधान नहीं बनना चाहिए या जैसा आपने कहा कि ये बहुत चहेता है हाँ एक तो फायदा है कि आज आर एस आर एस एस का हेडक्वार्टर है नागपुर तो नागपुर के नेता जो है उनको बहुत सहजता से एक कनेक्ट होने में आसानी होती है तो वो एक अपन वो 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 जो एक चाहत वाला जो वा पार्ट है वो अपन भूल नहीं सकते नकार नहीं सकते हमने देखा कि नागपुर में मतदान के लिए जो है शत प्रतिशत मतदान होना चाहिए ये सभी पार्टियों की तरफ से भी कोशिश की गई इसमें खासकर सरकार ने भी आ, बहुत योगदान दिया है बहुत कैंपेन चलाए लेकिन जिस तरह से यहाँ मतदान हुआ कम प्रतिशत मतदान हुआ इसका फायदा जो है कौन से पार्टी को हो सकता है क्या बताओ सर पहले तो मैं आर के मुद्दे को स्पष्ट कर बीजेपी के लिए RSS किसी आंख का रेटिना जैसा है आंख सुंदर दिखे नीली दिखे सब दिखे अगर उसका रेटिना ठीक नहीं है तो समझ लो अंदर कुछ गड़बड़ है और ऐसा अतीत में भी बहुत बार हुआ है और दूसरी बात यह है कि मतदान कम और ज्यादा इसके बहुत सारे कारण होते हैं कई लोगों को लगता है कि गडकरी साहब जीत रहे पांच लाख में तो डेढ़ लाख से जीतेंगे डेढ़ लाख में तो साठ से जीतेंगे अपन नहीं गए तो क्या होता और दूसरा क्या है अभी जो है ना रेमुनोरेशन जो होता है ना वो पहले नहीं था और अभी आरएसएस वालों को कोई बीजेपी की पचास साल तक जरूरत नहीं है उन्हें अपने आप को इन दस सालों में इतना सक्षम बना लिया कि उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं और अभी बीजेपी ने कंपलसरी किया है कि जो आर की शाखा में जाएगा उसको कोई पद पार्टी में हम देंगे तो उसकी मजबूती इस तरह से अब ये जो समीकरण है कि जहा गडकरी साहब का नाम लगभग प्रधानमंत्री के तय हुआ और उसमें अचानक मोदी जी ऊपर आ गए तो वो रेटी नहीं था ना नहीं और दूसरी बात यह है कि आरएसएस का एक बार उन्होंने कहा भी था कि हम लास्ट नहीं होते बंगालू लक्ष्मण जेल में ही खत्म हो गए कोई उसको बचाने नहीं गया क्योंकि तो उनके अपने प्रिंसिपल है उस ढांचे में जो बैठेगा हम उसके साथ नहीं बैठेगा जाओ तुम वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट देवरत जी का और बाकी सब चीजें हैं तो आरएसएस कुछ अपने ढंग से काम करती वो डिपेंड नहीं करती वो एक स्वतंत्र देश स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन उनका झंडा स्वतंत्र सब कुछ स्वतंत्र है उनका तो ये तो उनकी मर्जी है कि हम किसको सपोर्ट करें न करें पर गडकरी जी एक अच्छे व्यक्ति है समाज में उनका पार्टी से हटकर भी अलग है पर जब चुनाव आता है ना अपन अगर कहीं बंबई गए और वहाँ किसी ने बोला ये हाँ हा, नागपुर सा मानुस तो वहां का बंबई का कितना भी अच्छा आदमी रहे अब उन नागपुर आ रहे पराग माता रहा है तो ये जो फीलिंग है इस फीलिंग से भी बहुत सारा असर पड़ता है वो दो चार ही दिन बचे जिस तरह से वोटिंग कम हुआ है नागपुर में इसका फायदा किसी प्रत्याशी को हो सकता है वोटिंग जैसा आनंद जी ने बोला वोटिंग कम होने का इस बार काफी ये रहा कि धूप भी ज्यादा थी तो अपन जानते थे सब लोग मगर लिस्ट में बहुत लोगों के नाम नहीं थे प्रशासन ने मिशन डिस्टिंक्शन करके एक मुहिम चलाई सौ प्रतिशत मतदान करने के लिए काफी प्रचार किया जाने मगर यादि में अगर नाम नहीं है उसका लिस्ट में नाम नहीं कहाँ वोटिंग करें ऐसे कई लोग वापस गए हमारा फोटोग्राफर वहां पहुंचा तो उसको मृत बता दिया गया आ, ऐसे काफी धांधली हुई पूरे इसमें धूप थी ये धांधली थी और कई जगहों पे ऐसा हुआ मैं महल में रहता हूँ और तो मेरा नाम चिटनी पार्क की यादि में मेरे को मालूम ही नहीं मेरी लड़की के संदर्भ में ऐसा हुआ मगर मैंने कोर्ट के निकाला इसलिए न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में जाके उसका वोटिंग करवाया मैंने फिर मैंने मेरा हमारे बाजू के स्कूल में मैंने किया तो ऐसे कई लोगों ने बाकी कुछ प्रयास नहीं किए और हमेशा की तरह अपन देखते हैं छुट्टी आई के लोग मनाने के लिए बाहर गांव चले जाते वो भी एक कारण था और सबसे बड़ा कारण नागपुर के कई लड़के पूना हो बम्बई हो बेंगलोर हो हैदराबाद हो इस पढ़ने हाँ नौकरी के लिए गए हुए अब कुछ लोग आए वोटिंग के लिए आए मगर बहुत सारे लोग नहीं आ पाए तो पर, परसेंटेज कम होने की ये भी कारण है उसमें राजकीय कारण कम है बाकी ये टेक्निकल कारण हो गया बिल्कुल वैद्य सर आप क्या बताओगे नहीं इस बार देखिए कि इस बार जो मिशन डिस्टिंक्शन या जो आ, मतलब ईसीआई ने जो ये किया था डिक्लेयर किया था कि 100 परसेंट वोटिंग होना चाहिए मैक्सिमम वोटिंग होना चाहिए उस तरीके से आ, कलेक्टर ऑफिस से जो कि निवणुक निर्णय अधिकारी है वो तो उनकी तरफ से काफ़ी भरसक प्रयत्न किए गए थे बहुत सारी एन आई थी बहुत सारे स्कूल्स में कॉलेजेस में हमने देखा कि एक प्रतिज्ञा भी दी गई थी कि हमको वोटिंग करना है ये वगैरह बहुत सारे भरसक प्रयत्न किए गए थे और वोटिंग अगर पिछले मुकाबले के देखा जाए तो परसेंटेज में वोटिंग बहुत कम मात्रा में उसमें कमी आई है और अगर वाइज देखा जा देखा गया पिछले इलेक्शन के मुकाबले तो नंबर वाइज ये वोटिंग बड़ा है हाँ उसमें बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है वो लेकिन वोटिंग बड़ा है अब एक एक जरूरी कि जो इन्होंने प्लान किया था वो वोटिंग हुआ नहीं और मुझे एक थेरी मतलब आनंद सर की बहुत अच्छी लग रही है कि एक जो गडकरी जी के प्रति एक रहता है कि कि गडकरी तो चुन के आएंगे तो फिर हम लोगों ने हम दो चार पाँच ने अगर वोटिंग नहीं किया तो क्या होगा वो तो चुन के आ जाएंगे ये भी एक थेरी बहुत इम्पोर्टेंट काम करने वाली है और जैसे धूप वाली बात पराग जी ने बोली धूप है तो प्रशासन ने इस बार बोला था कि एक एक तरीके की व्यवस्था मतदान केंद्र में की जाएगी कोई रूम रखी जाएगी वहाँ पे पंखा होगा पानी की व्यवस्था होगी तो कुछ कुछ जगह पे अब डायरेक्टली निवणुक निर्णय अधिकारी को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते क्योंकि ये वहाँ वहाँ के मतदान केंद्र की जिम्मेदारी है कि उन्होंने वो करना चाहिए लेकिन वो हुआ नहीं इसलिए धूप के कारण सुबह काफी मात्रा में लोग निकले और बाद में डेढ़ बजे के बाद जो एकदम उसमें उतरा आया वो अब इसका फायदा जो है फायदा अपन ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि लास्ट इलेक्शन में भी वोटिंग कम हुआ था लेकिन गडकरी जी की चुन गडकरी जी की गडकरी जी चुन के आए थे तो इस बार इस बार भी उन्हें वोटिंग कम हुआ इसलिए वो गडकरी जी को फायदा नहीं करेगा या इसको करेगा इसका इसका अपन प्रमाण नहीं बोल सकते क्योंकि जो तबका है जिन्होंने क्या वोटिंग किया किसको किया ये ये तो अपने को चार जून को पता चलेगा बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई चर्चाएँ आ रही है राजनीतिक गलियारों से या आ, सोशल मीडिया पर हम वीडियो देखते हैं उसमें भी ऐसा बताया जा रहा है जो मोदी और गडकरी के बीच जो भी खींचतान है या जो भी है आ, उसे लेकर जो है हाल ही में संजय राउत द्वारा एक टिप्पणी की गई थी कि गडकरी को हराने के लिए फडणवीस द्वारा प्रयास किए गए हैं इसमें कितना तथ्य लगता है आपकी आज तक की मतलब जो कार्यकाल रहा है उसको देखते हुए नहीं ऐसी कोई बात नहीं हो सकती नहीं। उसमें ये कोई बहुत सीक्रेट नहीं है यानी सीक्रेट रह नहीं सकता नहीं। थोड़ा बहुत संकेत में कोई बात बोलते ये वो बात अलग है पर ऐसा हो नहीं सकता उसके बहुत सारे कारण है सबसे पहला कारण ये है कि सत्ता में वो लोग तो उनके जो पुलिस डिपार्टमेंट अलग प्रेस सब तो कहीं ना कहीं से वो लीक तो होती बात ये जो है ना आजकल अच्छा जो क्या बोलते हैं उसको रूम। नहीं नहीं ये कैसे तो भी अपने आप को लोकप्रिय करने के लिए या ये करने के लिए ऐसा नहीं हुआ है कि हुआ है यहाँ मैंने प्रभाकर धटके प्रवीण धटके फादर को उन्हीं की पार्टी ने हराया था पर ऐसा होता है पर इस बार ऐसा नहीं हुआ है बिल्कुल सर आपका क्या कहना नहीं ये तो ये तो रूमर है ऐसा कोई हो नहीं सकता जैसा आपने पिछले जो पिछला जो सवाल लिया था आरएसएस का दोनों आरएसएस के कट्टर फैंस है बचपन से और नागपुर के हैं और दोनों की खुद की घर की परंपरा भी अलग है तो ये ये कहना कि भाई फडनवीस जी ने उनको हराने की कोशिश की वगैरह ये बिल्कुल सरासर झूठ है और गलत है ये प्रचार ही गलत है ये अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट वाले लोगों ने किया होगा प्रचार होगा मगर ऐसा कभी हो नहीं सकता एक विषय अछूता रहा इसमें कि बीजेपी वाले ये मान चल रहे थे कि हमारा कैंडिडेट जीत रहा है और कांग्रेस वाले मान के चल रहे कि हम चल रहे थे कि हम कोशिश करेंगे पर जीतना तो है नहीं तो उनके भी लोग इसी प्रकार से करके आलस कर, कि भी ताकत लगाओ बिल्कुल मानी जाती है नितिन गडकरी बिल्कुल आ, सोशल मीडिया का जो है इस चुनाव के दौरान बहुत ज़्यादा हमें आ, असर दिखाई दिया है क्योंकि हमने देखा गडकरी जी जो प्रचार नहीं करने की बात कह, कह रहे थे उन्होंने प्रचार भी किया और जो इन्फ्लुएंसर है इनके साथ दो से तीन बार उन्होंने मीटिंग भी की है मतलब उनके साथ चर्चाएँ की है सर आप कैसा देखते हो इसे इन्फ्लुएंसर का इन्फ्लुएंस का इस बार बहुत बड़ा प्रभाव इस चुनाव में रहा और ये देखो 2014 में पह, पहली बार सोशल मीडिया को एक्चुअली बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किया अपने आप अगर याद करते होंगे उसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ और काफ़ी सारे तरीके के तरीके जो अपनाए गए वो बीजेपी ने पहली बार उसको ये किया सोशल मीडिया को और ये इन्फ्लुएंसर तभी पिछले दस साल में या थोड़ा सा उसका जोर पकड़ा गया पिछले तीन चार साल में बहुत सारे यंगस्टर्स जो है कि जिनके दो से चार लाख फॉलोइंग है तो ये इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा प्रभाव इस बार चुनाव में है और जैसे पराग जी ने उनके वक्तव्य में बीच में कहा था कि जो नौ मतदार जो है जो यंगस्टर्स वोटर जो है तो यंगस्टर वोटर जो है ये ये पड़ता कम है ये देखता बहुत ज़्यादा है तो तो इसका जो जो इन्फ्लुएंसर्स का जो प्रभाव है तो गडकरी जी ने जो उनकी मीटिंग लेके ये एक तरीके के उनकी जो राजनीति का जो ये था कि इलेक्शन का तरीका तो जैसा उन्होंने पहले अपने बोला कि पहले उन्होंने कहा था कि मैं प्रचार नहीं करूंगा बट ऑब्वियसली विकास ठाकरे के चुनाव में उतरने के बाद उन्होंने भी जाना होगा एक मंझे हुए खिलाड़ी है वो कि उनके ध्यान में आया कि एकदम ही अपन आ, आ, क्या बोलते हैं उसको कि बिना प्रचार के अपन नहीं रह सकते तो उन्होंने अलग अलग तरीके से जो प्रचार का अपना ये अनुभव किया और उनकी अपनी खुद की टीम है सोशल मीडिया की और उसमें आ, ये सारे तरीके से उनके हर एक वीडियो डालना ये करना और ये इन्फ्लुएंसर जो छोटी छोटी रील्स बनाते कि आज बहुत देर तक आप बहुत सारी चीज़ एकदम से देख नहीं सकते एक एक एक-एक जो टाइप है तो छोटी छोटी रील्स में उनके बहुत सारे वो प्रचार के तरीके कि उनके काम है उनका स्पीच है उनकी बाकी सारी बातें उनकी कही हुई एक बहुत प्रभावी तरीके से अगर उन्हें कुछ स्टेटमेंट किया होगा जैसे मोमिनपुरा में उन्होंने जो स्पीच दिया था उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि कि हमेशा मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे जो है वो गराज में ही काम करेंगे या कि मैकेनिक तरीके से मैकेनिक ही बनेंगे या इसी तरीके के छोटी छोटी तो मैं इन सारी चीज़ों से उनको बाहर निकालना चाहता हूँ तो ये ये ऐसी चीज़ें जो है कि बहुत बड़ा स्पीच जो होता है वो स्पीच में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारे एकदम से ध्यान में नहीं आती बट ये इन्फ्लुएंसर्स ये सारी चीजों को पकड़ के उसके रील्स बना के जो वायरल करते हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव इस इलेक्शन में देखा गया हालांकि कांग्रेस का अपना सेल बना हुआ था बट कांग्रेस कांग्रेस ये सारी चीजों में मेरा अंदाज है ऐसा कि वो कम पड़ी है उसमें नहीं वैद्य ये पहला मौका था कि गडकरी पूरे परिवार सहित चुनाव मुहिम में लगे नहीं तो वो अकेले ही काफी थे परिवार उनके बच्चे पत्नी सब लगे तो फर्क तो पड़ा होगा पर अब ये नागपुरियंस को तो खुद को पता नहीं रहता समय पे कि अब हम क्या करेंगे तो हम क्या बताएं बिल्कुल मुस्लिम वोटर जो है इनका कितना रुझान देखा गया है गडकरी की ओर हमने देखा कि प्यारे खान जो थे इन्होंने कैंपेन चलाया था मुस्लिम इलाकों में जाके उन्होंने बहुत ज्यादा प्रचार किया था तो इसका कई फायदा हो सकता है गडकरी को पहले मेरी तो जमीन होना चाहिए मैंने बहुत अच्छा पौधा लगा दिया बना बनाया नीचे जड़े तो होना चाहिए अगर जड़ नहीं है तो पौधा कम पनपेगा बिल्कुल सर बीजेपी का जहां तक सवाल है गडकरी जी का सवाल है उनको समाज के सब तक तबके के लोग मानने वाले हैं जानते हैं मानते हैं है। भी है जैसा प्यारे खान जी के अभी, अभी अपने विषय निकाला प्यारे खान ताज दरबार का अध्यक्ष भी है और प्यारे खान ने कोरोना के बीच में जो ऑक्सीजन के बारे में काम किया गडकरी के निर्देश से भी किया है ये मान्य है मगर उसने जिस तरीके से ऑक्सीजन पहुंचाया वो वहीं से एकदम ये हो गया पहले का नाम मालूम था आपने को प्यारे खान कौन मगर उसने काम किया अभी वो आगे बाकी मुस्लिम लोग जो है पुराने नेता है नए ने नेता है उनको जानने वाले मानने वाले समाज के सब तबके के लोग हैं इसलिए कुल मिला के वोटिंग ही होगा ये अलग मुस्लिम होगा ये होगा ऐसा कुछ नहीं रहेगा मुस्लिम वोटर्स का जो है को नुकसान होने की संभावना गडकरी जी का एक अपना जो जैसे अपने प्यरे खान जी की बात की तो देखो ये कम्युनिटी जो ऐसी होती है की ऐसा एक गट्ठा मतदान करने लायक ऐसा कोई लीडर नहीं होता मतलब प्यरे खान जी ने बहुत अच्छा काम किया उन्होंने आ, अच्छा अपना नाम बनाया है वहां पे लेकिन प्यरे खान जी ने कहा और मुस्लिमों ने वोट किया ऐसा नहीं होता है बट मुस्लिम एक गडकरी जी का एक अपना देखिए रुतबा अपना जो है खुद का जैसे आनंद निर्वाण सर ने भी कहा कि उनकी अपनी खुद की इमेज है तो वो कम्युनिटी वाइज जो है कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो है उनका उनका वोटिंग जरूर उनको फायदा मिला होगा बोहरा समाज वाले गडकर जी को बहुत प्रेम करते हैं जबकि वो भी मुस्लिम वो भी एकदम सही कहा आपने और उसी तरह जो कुनबियों का ऐसा था कि इस बार साढ़े छः लाख वोटर कुंबी थे उसमें से पाँच लाख जो है वो उनके अलग अलग जो ये होती है जाती है उसमें तिरड़े कुंबी एक बोलते हैं तो तिरड़े कुंबी कम से कम पाँच लाख थे और आ, विकास ठाकरे ये कोइंसिडेंटली ये खुद तिरड़े कुंबी है तो एक कम्युनिटी का एक जो डिफरेंस होता है बट स्पिरिट होता है कम्युनिटी का लेकिन एक हम भूल नहीं सकते कि ओ वर्गों के लिए जो पिछले दस साल में सेंट्रल से लेकर स्टेट तक जो काम हुए हैं ओ बी सी तो वो वो भी एक अपन एक तरीके से कि, कि कौन सी सरकार ने हमारे कम्युनिटी के लिए क्या लाया तो आज की जनता एक सजग हुई है तो वो केवल एक अंधभक्त की तरह वो जाके एकदम से वोट करेगी वो ऐसा मुझे नहीं लगता लेकिन फर्क जरूर पड़ा है इसमें हाँ उसका तो चार जून को जो है नतीजे आने हैं उससे पहले हम जानते हैं कि क्या लगता है नागपुर से किसे जनता अपना नेता चुनेगी सबसे पहला देखिए दो बात है सबसे बड़ी बात कि ये दोनों लोग मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और दूसरी बात मैं निर्णायक नहीं कि कौन जीतेगा पब्लिक ने निर्णय कर दिया है बट आप मिजाज जानते हो नागपुर का नहीं तो मिजाज इस बार इतने लोगों ने अपने मिजाज को ढक के रखा कहीं ऐसी हवा नहीं थी तो हमको तो ये लग रहा था कि गड़करी बैर चलेगी तूफान चलेगा सारे खम्भे हमे सब उखड़ जाएंगे। पर वैसा हुआ नहीं उनको पूरी जगह जगह जाना पड़ा लोगों से मिलना पड़ा तो अंडरकरंट कुछ और था ये भान उनको हो चुका था तो जीत हार कुछ भी हो सकती है और किसी व्यक्ति विशेष की क्योंकि मैंने बड़े बड़े चुनाव देखे गेहूं आवारी जो बिल्कुल पौधा उगा था अंकुर सत्ताईस साल छब्बीस साल का होता था कारपोरेटर बना था और बस उसने धोटे जैसे वाटर वृक्ष को यूं उड़ा दिया था तो ये मैंने कोई बात भी नहीं करता था कि जीतेगा वो लोग सोचते थे कि खाना है खड़ा कर दो और बापू जी ने, राष्ट्रीय नेता और बिहार के राज्यपाल रहे हुए स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस के कार्याद्यक्ष उनको एक अपना नरेंद्र देवघर जैसे बुनकर ने, नेता क्या उसको बुनकर युवक ने धूल चढ़ा दी थी तो इसलिए और इस बार का जो पूरा 400 पार इस पार उस पार तो कुछ क्या पार होगा पता नहीं मुझे पर देखते हैं चार तारीख तक वेट करते हैं सर क्या बताओ नहीं मैंने पहले भी बोला था रिजल्ट तो पक्का एकदम पक्का पक्का है है थोड़ा लीड जरूर हो जाएगा लीडर पका, लीडर पका। तो कौन जीत के आ सकता गडकरी साहब ही जीतने वाले सर आप क्या बताओगे कि नागपुर वासियों का रुझान किसकी नहीं इस बार फाइट टफ है जैसे आनंद सर ने कहा आनंद सर का इतना बड़ा तजुर्बा है तो उन्होंने सही बोला कि ये दोनों लीडर कि अपनी अपनी मैत्री हर एक वर्ग में है अपने यहाँ पे नागपुर में और इस बार थोड़ा टफ है और ये इसमें लेकिन एक एक बात जब जब भी मैंने कही कि गडकरी जी का पलड़ा हल्का भारी है आप अगर कांग्रेस कांग, नेताओं से बात करो आप एक डिफरेंस ध्यान में लो तो कांग्रेस कांग, नेता या कांग्रेस कार्यकर्ता आपको एक कैल एक कैलकुलेशन बताएगा कि, कि किस तरीके से विकास ठाकरे जीत सकता है कि कौन से जोन में कितने वोट मिलेंगे कास्ट इक्वेशन सारी आ, मतलब हलबा कोष्ठी से लेकर ये सब जो है ये आ, बीजेपी वालों से अगर आप बात करो तो बीजेपी वाला बोलता है कि गडकरी जी चुन के आ रहे हैं अब उसको अगर ये बोलो कि कैसा तो ये कैलकुलेशन कई लोग बता नहीं पा रहे हैं बट मेरा ऐसा मानना है कि सारी चीजों ध्यान में रख के जो एक पक्की सीट मानी जा रही है वो गडकरी जी की है हमारे यहाँ पे तो अब लीड कितना है कम जा होता है या ज्यादा रहता है या उन्होंने जैसा बोला बहुत सारी लीड आएगी कि क्या आएगी ये तो अपने को चार जून को पता चलेगा बिल्कुल तो चार जून को जो है लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं महाराष्ट्र में अड़तालीस सीटों पर चुनाव हुए थे जिसमें विदर्भ में पाँच सीटों पर पहले चरण में मतदान हुए और इसी को लेकर जो नागपुर की सीट है इस पे हमने चर्चा की और हमारे साथ शहर के प्रमुख वृत्त पत्र के जो है आ पत्रकार थे उन्होंने अपने लिख अपनी लिखान से अपने लेखनी से जो जो भी कवरेज किया है वो आज उनकी ज़ुबानी हमने जानी है उनका जो इतने सालों का अनुभव था उसके ज़रिए हमने ये जानने की कोशिश की कि इस बार नागपुर वासियों का रुझान किसकी ओर था और ये सब हमने जाना है लेकिन नतीजे 4 जून को आने हैं लोग किसकी ओर आ, किसे चुनकर देते हैं किसे अपना नेता बनाना चाहते हैं ये तो हमें चार जून को ही पता चलेगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपने वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों से आ, ये सारी जानकारी जो है साझा की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो, 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 तो आज के चुनावी महासंग्राम इस कार्यक्रम में वक्त चला यही रुकने का आप देखते रहिए बी न्यूज़ नमस्कार